फ्रेंड्स, वेलकम टू एफ पी शर्मा क्लासेस। माई नेम इज़ प्रियंका एंड आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर हेयर और यू कैन से टीचर ऑफ इंग्लिश। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम बोलते हैं कि आई एम इंग्लिश टीचर। बहुत सारे टीचर्स आपने सुना होगा कि बोल देते हैं आई एम इंग्लिश टीचर, और एक बार इस तरह से एरर भी दे देते हैं इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का मतलब क्या हो गया, ये इंग्लिश जो है ना वो डिनोट करता है किसको, ब्रिटिश जो इंग्लिश पीपल है ना उनको डिनोट करता है। तो इंग्लिश टीचर हमेशा गलत होता है, क्या हो जाएगा टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, चलिए तो ये तो है शुरुआत हमारी कि जो है हम कर रहे हैं अपने DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो लास्ट क्लास थी आपकी क्लास नंबर 13 वो थी टेंसेस के ऊपर, और उसी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं DSSB में, तो वो क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, द हेडमास्टर डेस्ट टू स्पीक यू, इसका ऑप्शन क्या था, क्योंकि हेडमास्टर क्या है, ही सी इट, थर्ड पर्सन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर का यूज़ करते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। आज स्टोरी आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आज मेरे इसकी पीसी की जो है बैटरी लो है, और इसी कारण जो है वीडियो का फंक्शन मैं अलाउ नहीं कर रही। चलिए नेक्स्ट देखें, ही टोल्ड मी डैट ही डैश टू टेक अप द असाइनमेंट। He told me that, देखिए he क्या है आपका सब्जेक्ट, told क्या है verb, me क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस कर चुके हैं, यानी नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच है डैट, डैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा के जो डैट लगता है, ही डैश टू टेक अप द असाइनमेंट, यहाँ पर देखिए पास्ट में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी विलिंग टू टेक अप द असाइनमेंट, क्या हो जाएगा अपना, ही विल बी विलिंग टू टेक द असाइनमेंट। ही टोल्ड मी डैट ही विल बी विलिंग टू टेक द असाइनमेंट। हम नरेशन की क्लास कर चुके हैं, जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो नरेशन की क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्टर डैश ऑन द पेटिशन बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन। जो मिनिस्टर हैं वो क्या कर चुके हैं, पिटिशन, देखिए जब भी कोई दो एक्शन एक साथ हो रहे हो तो पहले जो एक्शन हुआ होगा, पहले जो काम हुआ होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं डियर, पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको जो है पास्ट इनडेफिनिट में, पास्ट इनडेफिनिट। तो यहाँ देखिए, द मिनिस्टर डैश ऑन द पिटिशन, मिनिस्टर जो है साइन जो है वो पहले कर चुका है पिटिशन पे, बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन। ऑप्शंस देखिए, कुड साइन नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट चाहिए, पास्ट परफेक्ट क्योंकि साइन पहले हुआ है और डिस्कशन के लिए बाद में गई है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट किस किस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल करेंगे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैड साइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, My mother dashed me daily. तो क्या हो जाएगा, My mother. देखिए कोई भी काम हैबिट में डेली होता है, कोई भी काम अगर डेली होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, My mother dashed me daily. My mother scolds me daily. ठीक है, My mother scolds me daily. यहाँ पर S लगना चाहिए एक वर्ब के पीछे, ठीक है, मेरी माँ जो है वो मुझे डेली डांटती है, scolds. ठीक है, आई ब्रशिज माई, देखिए आई के साथ आई ब्रश माई टीथ डेली, और शी ब्रशिज हर टीथ डेली, तो ही शी इट, मदर की जगह प्रोनाउन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा,
तो शी स्कोल्ड्स मी डेली, क्योंकि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर कोई भी रेगुलर एक्शंस, जो रेगुलर रूटीन में कोई भी काम चला रहा हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इसके पास होता नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। साथ में क्या हो जाता है इसके पास, वी वन, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस किसके साथ लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है। जैसे मैंगो है, ओ से एंड हो रहा है लास्ट में, तो ई एस लगेगा इसको प्लूरल बनाते वक्त, ठीक है। इसी तरह चर्च, सी एच है एंड में, तो ई एस लगेगा। इसी तरह एक्स एक्स से कोई एंड होगा तो भी लगेगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में लगता है ई एस, बाकी सेंटेंसेस में एस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, बहुत बार हमने सुना भी है। देखिए, कोई भी दो नाउन, कोई भी दो नाउन, नाउन वन दे दिया, नाउन टू नेम दे दिया, या कोई भी दो एडजेक्टिव, कोई भी दो एडजेक्टिव, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और एक ही चीज का सेंस निकल रहा है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी, दोनों दोनों ही किसका जो है, दोनों कॉम्बाइन होके एक ही चीज बता रहे हैं, स्लो एंड स्टडी, ठीक है। विन द रेस, तो क्या हो जाएगा, विन्स द रेस, क्योंकि दोनों क्या है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर, क्योंकि ये एक को ही, किसी एक को ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी एक को ही डिनोट करेंगे, एक ही सेंस निकलेगी, तब हम यूज करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड है आपकी और साथ में ये बटर हो गया, तो ब्रेड पर बटर लगाया, ब्रेड एंड बटर दोनों एक ही कॉम्बाइन होके एक ही सेंस में बात हो रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनर ऑफ दीज बिल्डिंग्स, देखिए द ओनर ऑफ दीज बिल्डिंग्स डैश वेरी रिच, जो सब्जेक्ट क्या है, द ओनर ऑफ दीज बिल्डिंग, ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्डिंग्स, तो ओनर की बात हो रही है। ओनर कौन है, ओनर सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। वेरी रिच, तो ऑप्शन में क्या है, आर, आर तो प्लूरल हो गई तो नहीं आएगी, टू नहीं आएगा, हैव बीन भी नहीं, क्या हो जाएगा, इज वेरी रिच, ठीक है। जो ओनर है वो क्या है, बहुत रिच है। नेक्स्ट देखिए, आई वुड लाइक डैश ए कार लाइक yours, देखिए आई क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट, वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लाइक आपका मेन वर्ब। आई वुड लाइक डैश ए कार लाइक yours, ठीक है, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जैसी कि, ठीक है, ऐसी कार चाहिए अपने पास जैसी कि तुम्हारे पास है, yours, yours यानी तुम्हारी। ये जो yours है ना स्टूडेंट्स, ये जो है पोजेशन दिखाता है, पोजेशन यानी मालिकाना अधिकार दिखाता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि देख लीजिए, जैसे हम बोल देते हैं यू आर माइन, तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, ये बोल देते हैं ना, ये माइन जो है ये क्या है, पोजेशन है, पोजेशन है यानी अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं माइन, ठीक है। इसी तरह ये पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए कि भाई जो से तुम्हारी कार है ना, मुझे ऐसी कार चाहिए। आई वुड लाइक टू हैव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हमें दिया खाना हो तो किसका यूज करेंगे, आई वुड लाइक टू हैव ए कार लाइक yours। नेक्स्ट देखिए, आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर बिफोर डैश वर्क, ठीक है, आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर्स, आई क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट, ऑलवेज रीड क्या हुआ, वी वन, द न्यूज़पेपर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट। आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बिफोर डैश वर्क, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं, टू स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्टेड या स्टार्टिंग। देखिए, जब भी कभी भी आपके बिफोर, आफ्टर और ये किसी वर्ब को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इनके बाद जो वर्ब आ रही हो वो ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म में ही आती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में ही आती है, उसको हम जीरंड भी कहते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जीरंड भी कहते हैं। बिफोर आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन भी है,
और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ग्रामर में क्या आता है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा जो नाउन की तरह काम करे। तो नाउन की तरह काम कौन कर सकता है, एक तो इसमें से ये कर सकता है, एक ये कर सकता है, बाकी तो है नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर जब बिफोर और आफ्टर है वो आईएनजी वाली फॉर्म को ही फॉलो करती हैं। तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग। आई ऑलवेज रीड द न्यूज़पेपर बिफोर स्टार्टिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डोंट माइंड डैश हेयर बट आई वुड प्रेफर टू सिट बाय द विंडो। देखिए क्या होगा, आई डोंट माइंड, माइंड देखिए, माइंड जो वर्ब है आपकी, माइंड, डिनाई, इमेजिन, लव, इंजॉय, एडमिट करना, किसी को अलाउ करना, ठीक है, प्रवेश देना, एडमिट करना, अवॉइड मना करना, माइंड डिनाई मना करना, या फिर ठीक है अवॉइड इग्नोर करना हो गया, डिनाई मना करना, इमेजिन करना काल्पनिक, ठीक है। तो ये सारी की सारी वर्ब किसको फॉलो करती है, जिरंड को फॉलो करती है। तो आई डोंट माइंड सिटिंग, जिरंड क्या होता है ग्रामर में ना, बच्चे पहले तो नाम से ही घबरा जाते हैं, जिरंड पास्ट पार्टिसिपल लिए क्या हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल से भी बच्चे बहुत डरते हैं, मैम पास्ट पार्टिसिपल ये क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कह देते हैं। तो बहुत भारी भरकम चीज़ों से डरने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल है सब कुछ। आई डोंट माइंड सिटिंग हेयर बट आई वुड प्रेफर टू सिट बाय द विंडो। अब ये रखो, ये जो प्रेफर आया ना यहाँ पे, प्रेफर्स के साथ हमेशा टू आता है, सीनियर के साथ टू आता है, जूनियर के साथ टू आता है, प्रीपोजिशन का भी एक एरर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आई डोंट माइंड सिटिंग हेयर बट आई वुड प्रेफर टू सिट बाय द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स डैश देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। क्या होगा, द प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, सब्जेक्ट क्या हुआ सेंटेंस का, व्हाट इज सब्जेक्ट, अगर मैं पूछूं कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, इज व्हाट वी टॉक अबाउट। इंग्लिश विद प्रियंका एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पहले मैंने चैनल बनाया था, बट मैंने उस चैनल पे इतना काम नहीं किया है और ना ही स्टूडेंट्स को इतना बताया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पे कनेक्टेड तो नहीं है, बट आप उस चैनल पर जाकर देखना कि जो सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें मैंने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, फ्रेज ये सारे बहुत एक्सप्लेन कर रखे हैं पूरे अच्छे से, तो प्लीज़ आप जाके देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द प्रॉब्लम डैट इज फेसिंग, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी गाइज, हाँ जी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे ये, ठीक है, द प्रॉब्लम डैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, द प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ये कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट है। डैश देयर प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम डैट इज फेसिंग सम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, प्रॉब्लम क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्रेटन्स देयर प्रॉफिट, उनकी जो प्रॉफिट है उसको थ्रेटन कर रही है। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, नेक्स्ट देखिए, द वुमेन, यहाँ पे वुमेन देखिए, द वुमेन क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर, वुमेन ये होता है प्लूरल, जैसे मैन सिंगुलर, मैन प्लूरल, इसी तरह ये सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, वुमेन कैरिंग टू लार्ज कलरफुल बैग्स, जो औरत जिसने दो लार्ज कलरफुल बैग कैरी किए हुए हैं, डैश द म्यूजिक, ठीक है, हैज टॉट द म्यूजिक, क्या हो जाएगा, वुमेन सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, यहाँ पे प्लूरल है ये नहीं आएगी, यहाँ पे प्लूरल है ये नहीं आएगी, ये बेस फॉर्म है ये भी नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हमारे पास सिर्फ यही है, तो क्या आ जाएगा, हैज टॉट, क्या आ जाएगा, हैज टॉट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, कब तक, कब रह चुका है, ठीक है, कोई भी यार देखिए,
आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ है, और ठीक है, और अभी भी आज उसकी हम बात कर रहे हैं, इफेक्ट है थोड़ा, ठीक है। तो आई हैव, आई सब्जेक्ट हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कौन से टेंस में आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम ईयर्स का यूज करते हैं। तो इन फाइव ईयर्स या सॉरी सिंस फाइव ईयर्स, देखिए सिंस फाइव ईयर्स, फाइव ईयर एगो या फोर फाइव ईयर एगो, तो क्या हो जाएगा, फोर फाइव ईयर्स, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर फाइव ईयर्स, मैं दिल्ली में जो है लगभग क्या बता रही है, 5 साल से रह रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल देती 1987, ठीक है, तो क्या बोलता, आई, तो ये अब यूज़ नहीं करता, ठीक है। या फिर मैं बोल देती सिंस मंडे, ठीक है, मैं तो अभी अभी आया हूँ दिल्ली में, तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस और फोर में याद रखना, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर ड्यूरेशन के लिए, लगभग 5 साल से, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों से वो रह चुका है, देखिए अब तक 5 साल रह चुका है ना, और अभी भी रह ही रहा है, आगे भी रह रहा है, ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। द क्रॉप हैज बीन डैश वेल आफ्टर रेन्स, क्या हो जाएगा, द क्रॉप हैज बीन, क्रॉप हैज बीन, हैज हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके साथ बीन लगाया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, उसी में होता है हैज हैव के साथ बीन देन वर्ब का आईएनजी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर देखनी है क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर देखो, एक ही ऑप्शन है ग्रोन, ये नहीं होगा, ग्रो भी नहीं होगा, ग्रू भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रोइंग, क्या हो जाएगा, ग्रोइंग। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जिस भी स्टूडेंट को टेंस के स्ट्रक्चर नहीं याद है, प्लीज़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, दीज आर योर न्यू शूज, दीज आर योर न्यू शूज, क्वेश्चन टैग बताने हैं, यानी देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो आर से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा, दीज आर योर न्यू शूज, आरेंट दे, और क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या हो जाता है, नेगेटिव आता है, आरेंट दे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई विश आई डैश एज वेल एज यू डू, देखिए जब भी कभी सेंटेंस विश यानी इच्छाओं से स्टार्ट हो, इमेजिनेशन से स्टार्ट हो, इमेजिनेशन है आई विश आई वर ए बर्ड, ठीक है, तो हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं, आई विश कि मैं एक पक्षी होता, ठीक है, तो पास्ट क्या है यहाँ पर, सिर्फ कुड या फिर डिड, डिड का यूज नहीं होगा क्योंकि डिड के साथ, ठीक है, आई विश आई कुड सिंग एज वेल एज यू डू, ठीक है, क्योंकि डिड यहाँ पे देखिए, आई विश आई डिड सिंग, डिड का यूज़ नहीं होगा, वो सेंस नहीं बन रहा, और डिड को हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, इसलिए भी नहीं होगा, आई विश आई कुड सिंग एज वेल एज यू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्शन अंडरटेकन लॉन्ग बिफोर विच इज स्टिल गोइंग ऑन, एक एक्शन जो कि पहले से चला आ रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है, उस टेंस को क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, एक एक्शन जो पहले से होता आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है, सीधा डेफिनेशन पूछ लिया आपसे, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, सीधा आपसे डेफिनेशन पूछ लिया, कोई भी एक्शन जो पास्ट में चला आ रहा है हो, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चला आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन शी वाज कॉट रेड हैंडेड शी न्यू दैट हर प्लान्स डैश फेल्ड, ठीक है, जब उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, शी न्यू दैट कि जो उसके जो प्लान्स हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो चुके हैं, अभी भी मैंने बताया था, जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हों, जो पहले हुआ हो, जो एक्शन पहले हुआ हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का, तो किसका यूज होगा, पास्ट परफेक्ट का, हैड फेल्ड का यूज होगा, ना कि हैव वर आर, ठीक है। व्हेन शी वाज कॉट रेड हैंडेड, जब वो नंगे हाथों पकड़ी गई, शी न्यू डैट, उससे पहले वो जानती थी ना कि उसके जो प्लान है वो फेल हो चुके हैं, तो उसके प्लान पहले फेल हुए होंगे,
तो जो एक्शन पहले हुआ होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, बात वाने के लिए पास्ट इनडेफिनिट वगैरह का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर डिशूजा डैश अवेक फॉर सॉरी डैश अवेक द होल फॉर लास्ट नाइट वरीड अबाउट हर हस्बैंड्स डेथ। ठीक है, मिस्टर डिशूजा जो है वो बेचारी सो नहीं पाई थी पूरी नाइट, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की जो मौत है उसके बारे में वो बहुत वरीड थी, चिंता थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइड मिस्टर डिशूजा लाइड अवेक द होल लास्ट नाइट। ठीक है, लेटे रही थी लेकिन अवेक थी वो, लाइड ले का ही सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ले का ही सेकेंड फॉर्म है, ले मतलब लेटना, ले लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एक होमवर्क है आपके लिए, ले एंड लाइड दोनों ही वर्ब की फॉर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं इनकी, V1 V2 V3 तीनों फॉर्म्स जो हैं वो कल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, आई विल चेक। ठीक है, आप लोगों को देखना है और इनके ऊपर दो दो सेंटेंस बनाने हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था कि जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप टेंसेज पे सेंटेंसेज बनाइए, टेंसेज पे सेंटेंसेज बनाइए, कोई भी टीचर आपको ना गुमराह नहीं कर सकता इस बारे में। किसी भी टीचर की आप क्लास देखो बोलेंगे कि रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, लेकिन स्टिल आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे ही मज़े में कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी वर्ब की फॉर्म ली, आपने डेली रूटीन के सेंटेंसेज बने लग जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। कोई स्टोरी राइट कर दो, सोते सोते ही 2-3 मिनट की स्टोरी सोच लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ ना कुछ सेंटेंसेस आपको बनाते रहना पड़ेगा, सो डैट जो देखिए मैथमेटिक्स में भी आप बार बार किसी चीज़ को फॉर्मूला याद करने बैठोगे ना तो नहीं होता है, लेकिन आप एक ही फॉर्मूले को बार बार आपको लगाना पड़ रहा है, पाइथागोरस फॉर्म में लगाना पड़ रहा है बार बार, तो आपको याद हो जाता है। ठीक है, याद हो जाता है बार बार लगाते हो तो, कि ठीक है ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते करते ना लर्न करने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर सेलेक्ट हो जाता है, यानी छप जाता है। तो कीप प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस का देर इज नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, इसी को बोलते हैं हार्ड वर्क, देर इज नो अल्टरनेट ऑफ प्रैक्टिस। अनटिल और अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom phrase ऑफ द गिवन मीनिंग टू मेक द मिस्टेक। टू मेक ए मिस्टेक मतलब कोई गलती करना, ये है आपका idiom, टू मेक ए मिस्टेक। टू मेक ए मिस्टेक ऑप्शंस दिए हैं, डोगी बैग, डन टू डेथ, ड्रॉप द बॉल। तो क्या हो जाएगा, देखिए मिस्टेक कर दी, बॉल यहाँ से आ रही थी आपने छोड़ दी, यानी क्या हो जाएगा, ड्रॉप द बॉल, आपने बॉल को छोड़ दिया, कोई मिस्टेक कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। ठीक है, गिवन idiom का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। कीप योर चिन अप, अपनी जो चिन है उसे हमेशा अप करके रखो, यानी अपने फेस को डाउन मत करो, सैड मत दिखाओ। ठीक है, हमेशा क्या रहना है, हमें जॉयफुल रहना है। ऑप्शंस देखिए, ए पर्सनल इंट्यूशन यू गेट स्पेशली वन फील समथिंग मे नॉट बी राइट। ठीक है, एक अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है जब भी आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। टू रिमेन जॉयफुल इन टफ सिचुएशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि आप जो है जॉयफुल सिचुएशन में भी अपना फेस लटका नहीं रहे हो, आप जो है खुश हो। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देखना चाहो तो देख लो, बाकी के ऑप्शंस हैं क्या नहीं, राइट आंसर आपका बी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom ऑफ द गिवन मीनिंग, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। ठीक है, आप अपनी विल पावर और एबिलिटी जो है वो आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, आप लोग बताइए, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। ऑप्शंस है, ए पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्न्ड, या फिर आपका ऑप्शन है ए डाउटिंग थॉमस, या फिर आपका ऑप्शन है यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, एंड नेक्स्ट इज ए लोट कोस, बताइए, आप लोगों को ही बताना है क्या होगा। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट आता है, आपको किसी में भी अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं है इवन, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा उस टॉपिक को भी हम कर लेंगे।
अगर कोई टॉपिक भी क्लियर नहीं होता है आपका तो उस टॉपिक को भी हम कर लेंगे। चलिए सोच लिया आप लोगों ने। एक और ईडियम मैंने कुछ करवाए थे ईडियम, पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने बहुत सारे ईडियम्स करवाए हैं आप लोगों को। उन सभी ईडियम्स के भी मैं एक दिन आप लोगों का टेस्ट सीरीज जो है हमारी उसके अंदर भी मैं आप लोगों के ईडियम्स जो है ना वो पुट करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका मतलब होता है कि कुछ भी ना बचना, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कुछ भी आपके पास बचा नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए ए पैनी सेव्ड इज ए पैनी अर्न, ठीक है। एक एक पैनी बचाने से ही आपको दूसरी जो है पैनी जो है वो आपको मिलती है। या फिर आपका ए डाउटिंग थॉमस, किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट है, ठीक है। या फिर ए लोट कोज, लोस्ट कोज, ठीक है। लोस्ट होने का जो आपका कारण है वो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा स्टूडेंट्स कितने अटेंटिव हैं। मैंने आपका मीनिंग बता दिया, मीनिंग क्या है कि कुछ भी ना बच पाना, ठीक है। किसी चीज़ की भी आपके पास एबिलिटी नहीं है, कुछ भी आपके पास बचा नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ न्यू क्वेश्चंस, और कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें कि हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं तो उसके मैं असेंबल कर दूंगी, या फिर मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बाकी हैं, इडियम फ्रेज भी बाकी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी बाकी हैं। इडियम फ्रेज कर लेंगे क्योंकि बिकॉज इडियम फ्रेज का ही क्वेश्चन भी है, कल आप बता भी दीजिएगा और इडियम फ्रेजेज हम कर लेंगे। चलिए फिर शुभ रात्रि, अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।